बाद 800 मीटर से अभी स्टेट मेडल था और नेशनल थर्ड रैंक दीप सिंह रावत अपने पास एक बच्चा है और वो अभी भारतीय सेना के अंदर आर्मर्ड रेजिमेंट में भर्ती हो गया। उसका अभी जस्ट रिटर्न बाकी है, 13 नवंबर को रिटर्न होना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो अपने ग्राउंड में जो बेस्ट टाइम आ रहा है उनका सर 54 या 55 टाइम देते हैं मेरे ग्राउंड के अंदर। मेरे हिसाब से ये ग्राउंड 40 कदम अपने ग्राउंड से छोटा है, मतलब 40 मीटर, समझ गया। ओवरऑल तो अगर अपना 1600 का है तो ये 1560 मीटर का है, समझ रहे हो। ये सच्चाई है, इसलिए आपका टाइम डाउन हुआ है, नहीं तो टाइम डाउन नहीं होता, समझ रहे हो। एक दूसरी बात, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम आया आपका। सर बोल रहे हैं कि भर्ती के अंदर जो बच्चा 15 दे देगा वो पास हो जाएगा। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, खासकर हाड़ौती वालों को, अगर आप 15 दे दोगे तो एक्सेलेंट मार दोगे, गारंटी है। ये तो क्या, सारे एक ग्रुप में दौड़े और सारे एक साथ कॉम्पिटिटर फंस गए। वहाँ आपको एक साथ इतने कॉम्पिटिटर नहीं फंसेंगे, जो इनको यही नहीं पता है कि 1600 मीटर कितने टाइम में भागना होता है। वो तो अपने खोलियो बूस्टर गोली, ठीक है, 2 राउंड भागेगा साइड में सीढ़ी पे, ठीक है। ऐसा करने वाले बहुत आएंगे, क्योंकि भारतीय सेना में अभी अपने 17 जिले भागेंगे और 17 जिलों में से 2,91,992 बच्चों ने फॉर्म भरा, मतलब 3 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। जबकि 10 साल से मैं इस अजमेर ज़िले की, मतलब सारी जो कोटा की 7 ही भर्ती होती है, उनमें टॉपेस्ट पिछली साल 71,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था 8 डिस्ट्रिक्ट। अभी 71,000 का कंपैरिजन अगर 2,92,000 से अपन करते हैं तो बहुत ज़्यादा है। और ओवरऑल मतलब 10 साल का मेरे पास ये एक्सपीरियंस मान लो आप, एक बार एक भर्ती में 181 बच्चे लिए थे, पिछली भर्ती में 400 बच्चे लिए थे, तो अभी मेरे को अनुमान है कि 1600 बच्चे कम से कम लेंगे, तो रिटर्न में 5,000 बच्चों से कम नहीं बैठेंगे। 5,000 में अभी 2,92,000 में से 5,000 ही बैठने हैं, तो उनमें से अगर 20,000 आप पास होंगे ना, जब जाके वो 5,000 को फिट करेंगे, नहीं तो फिट ही नहीं करेंगे। उनको सिर्फ भीड़ को छांटनी है, तो रनिंग के टॉपेस्ट 15 या 20 बच्चे लेंगे, समझिए। तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी है कि आप टॉप 20 में आ जाओ। और एक और ख़ास बात बता दूँ, क्या आपको पता है कि मेरे एरिए के ये 20 बंदे तगड़े दौड़ने वाले हैं, उस बैच को आपकी रनिंग थोड़ा वीक है तो बाइकट कर देना, इससे साइड में हो जाना, नहीं तो आपकी रनिंग अच्छी होने के बावजूद भी आप फेल हो सकते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि लड़ाई हमेशा ना जोर से नहीं जीती जाती, थोड़ी दिमाग से जीती जाती है। और आजकल तो बायोगैस का सिस्टम है, उसका नंबर भी नहीं आएगा, तो टेक्निक बहुत ज़रूरी है। एक ग्राउंड में अभी तो प्रैक्टिस टाइम में किसी को ग्राउंड नहीं काटना है, लेकिन जब भर्ती आती है आपको जैसे तैसे कर कुरा के काट पीट के और ग्राउंड काट देना है, समझ गया। ये मेरा सजेशन है, क्योंकि फेल होने के बाद आपको एक भी आदमी यूँ नहीं पूछेगा कि तू कितना फेल हुआ, और फेल होने वाला ये बोलेगा कि मैं रस्सा पे रह गया। मैं बोलता हूँ रस्से से आगे हो, ठीक है ना, तो रस्से से आगे उसको जाना चाहिए, समझ गए मेरी बात। इसलिए आपको रस्से से आगे जाना है, कट मार के जाओ, जोर मार के जाओ, कैसे भी जाओ, ठीक है भाई। तो अभी मैं सर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके कोटा की रिले टीम बनाओ और अपनी आपकी एक रिले टीम बनाओ, अच्छा मनोरंजन हो जाएगा, फिर चाय पियेंगे अपने एक साथ, अपने सिस्टम निकाल के लेकर।